फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं गुड़हल का फूल है और आप समझ ही गए होंगे कि आज हम गुड़हल के बारे में बात करेंगे कि इसकी फर्टिलाइज़र हम कैसे दें और कि जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आए, है ना। मेरे पास करीब 8-9 हैं गुड़हल के प्लांट्स अलग अलग कलर के और मैं इनमें यही प्रोसीजर करती हूँ, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रूनिंग की। गुड़हल के प्लांट को प्रूनिंग बहुत पसंद है क्योंकि जैसे ही आप प्रूनिंग करते हैं तो उसमें नई डालियां आती हैं। नई डालिंग मतलब मोर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए नई डालियां ही चाहिए, पुरानी डालियों पे फूल नहीं आते, है ना। तो सबसे पहले हम इसकी प्रूनिंग करते हैं, तो हम इसकी अच्छी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, है ना। जो भी डालियां फालतू की निकल रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं या शेप से बाहर की हैं, उन सबको हम निकाल देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी देखिए मैंने अच्छी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, एक इसकी और एक ये दो की, दूसरे गुड़हल ये है, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और अब इसमें हम क्या करा है मैंने कि देखिए मिट्टी निकाल दी है ऊपर से, थोड़ी थोड़ी ये आधी आधी मिट्टी निकाल ली है और इसमें मैंने इनको भरने के लिए बनाई है ये खाद। इसमें 75% गोबर की खाद है। आप गोबर की खाद के बदले कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या पत्ती की खाद जो आपको इजीली अवेलेबल हो ले लीजिए। साथ में 25% इसमें मिट्टी मिलाइए। मिट्टी गार्डन सॉइल डाल सकते हैं आप, जो गमलों से निकली है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास तो 3 गमले हैं इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें मिलाई है, लेकिन मैं आपको 10 इंच के 12 इंच के गमले के एक हिसाब से बता रही हूँ कि एक गमले में 1 चम्मच बॉन मील और 1 चम्मच नीम की खली दोनों मिला ली है इसमें, ठीक है। नीम की खली आपको पता है प्लांट का इम्यून स्ट्रॉन्ग करती है और प्लांट में फंगस कभी भी नहीं आने देती, ठीक है, वो मिला ली है। साथ में मिलाई है मैंने इसमें चाय की पत्ती, यूज्ड धुली हुई चाय की पत्ती, जो हम घर में चाय पीते हैं उसकी पत्ती धो के सुखा रखी है, वो भी इसमें मिला रखी है। तो अब मैं इसको इसमें भरती हूँ, ठीक है, मैं आपको करके ही दिखा। अब हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं, बस खाद डाल के पानी डालना ज़रूरी है। तो आपने देखा इसको एसिडिक सॉइल पसंद है इसलिए चाय की पत्ती डाली, है ना, और हमने बोन मील डाला, इसमें नीम की खली डाली, गोबर की खाद और कंपोस्ट डाली। अब ये जो हम कहते हैं ना कि हम साल में 2 बार खाद डालते हैं, तो ये इस्टेब्लिश प्लांट्स के लिए है, है ना, क्योंकि ये तो हमारे पुराने प्लांट्स हैं और जो हम नए लाए हैं उनमें हमें नहीं करना, उनकी तो मिट्टी हमको नई बनानी पड़ेगी ना। इस तरह से करके हम भी अपने गुड़हल के पेड़ों पे बहुत फूल ले सकते हैं। देखिए मेरे जो पेड़ हैं इन पे बहुत फूल आते हैं, बहुत फूल आते हैं। देखिए हमेशा कलियाँ इनमें ना बनी रहती हैं, ये देखिए कितनी सारी बनी हुई ना, सब जगह ये बनी रहती हैं और ऐसे ही इसमें खूब फूल खिलते रहते हैं। 8-9 कलर के हैं मेरे पास गुड़हल, ये आप देख रहे हैं, ये है ऐसा ऑरेंज कलर का है, ऐसा पीच कलर का है, है ना, और ये आप देख रहे हैं ये येलो कलर का, इसमें अंदर रेड है आसपास येलो है, और ये वाला जो है पीच कलर का है, वाइट कलर का है, डार्क रेड है, और वो जो एक उल्टा लटका हुआ होता है ना शैंडलियर वाला, वो भी है गुड़हल, अभी नीचे लगा है, उसकी मैंने कटिंग लगाई थी, उसमें कलियाँ आ गई, वो भी आपको दिखाऊंगी अभी। तो इस तरह से करके आप भी अपने गुड़हल पर बहुत सारे फूल ले सकते हैं। और अभी ये शुरुआत है विंटर की, तो ये विंटर की प्रिपरेशन थी, ठीक है। आगे अभी और बताऊँगी कि इसमें और क्या क्या करना होता है। इसमें एक तो सबसे चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो गुड़हल का पेड़ है ये मेलीबग को अपने ऊपर बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है, तो अगर आपको कभी भी एक भी दिखता है मेलीबग किसी भी प्लांट पे, तो उसी टाइम बिना देर किए आप इमिडाक्लोप्रिड या नीम ऑयल और साबुन मिला के 1 लीटर पानी में, आधा आधा चम्मच नीम ऑयल आधा चम्मच हैंड वॉश मिला के 1 लीटर पानी में उसी टाइम स्प्रे करें। अगर उससे नहीं जा रहा है तो आप मेलाथियन का भी स्प्रे कर सकते हैं और इमिडाक्लोप्रिड का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इसका जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सबको सबसे बड़ा जो दुश्मन था उसकी आपको मैंने बात बता दी, तो आई होप कि आप ना इसका ध्यान रखेंगे और अपने गुड़हल पे बहुत अच्छे से फूल ले सकेंगे। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।